हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से आप सभी लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे, इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे भर भर के कि दीदी अपनी गोल्ड की ज्वेलरी दिखाओ, खासकर मेरे ये वाले जो इयर रिंग है ये आपको बहुत अच्छे लगे। तो आज मैं अपने ना सारा ये भर के लेकर बैठी हूँ गोल्ड, और मैंने कहा एक एक करके आपको दिखाऊंगी। आपको जो मेरी डिज़ाइंस है ना गोल्ड की, वो बहुत अच्छी लगती हैं, और सारे अपने लेके बैठी हूँ बॉक्सेस, जितना है उतना दिखाऊंगी। और जो भी मेरा ज्वेलरी है थोड़ी बहुत, वो मेरे लॉकर में भी रखी रहती है, सासू मम्मी जी ने रखवाई है वो, तो कुछ ज्वेलरी। और मैं देख सकती हूँ मैं ये वाले जो इयर रिंग पहनी हूँ, ये भी गोल्ड के ही हैं। गोल्ड पहनना पसंद है, आर्टिफिशियल इतना नहीं पहनती हूँ। और ये वाला जो मंगलसूत्र है, ये भी मेरा गोल्ड का ही है, तो ये भी गोल्ड का ही पहने रहती हूँ। और हाँ, चलो अब दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी ससुराल की ज्वेलरी है, अभी मायके थोड़ा बहुत मैं अपना कुछ मायके में भी रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? इसलिए कि इधर से उधर ले जाना ना पड़े, डर लगता है रास्ते में कभी चोरी वोरी का। आजकल समय कितना ज़्यादा ख़राब है, और थोड़ा बहुत मेरा लॉकर में भी रखा रहता है। जैसे कोई आते हैं, जैसे कोई फंक्शन वगैरह कुछ भी आता है ना, तब ये ज्वेलरी मैं पहनती हूँ, इसलिए मैंने ये थोड़ा बहुत अपना बाहर भी रखा है। देख सकते हैं ये मेरा नेकलेस, पहले यही चलते थे शादियों में, यही चढ़ाया गया था मुझे। तो ये मेरा नेकलेस देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, काफ़ी भारी है ये, तो इसको रख देती हूँ एक साइड में। फिर इसके बाद आ जाती है मेरी एक ये वाली चैन, ये कभी नहीं देखा होगा आपने पहने हुए, मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं इसको रखे रहती हूँ। हस्बैंड से बोलती हूँ पहनने को, पर वो नहीं पहनते, तो ये रख देती हूँ एक तरफ। ये थोड़ा सा अजीब सी है, मोटी मोटी सी, बड़ी बड़ी जैसी दिखती है, अगर पहन लो तो ओवर लगता है, तो ये नहीं पहनती। हाँ, और बल्कि इसका वेट इतना नहीं है जितना इस वाली चैन का वेट है। और हर गोल्ड की ज्वेलरी की अलग मेमोरी, ये मुझे इन्होंने करवा चौथ पे गिफ्ट करी थी, ये बड़ौदा से लेके आए थे, तो ये वहीं से लेकर आए थे। तो देख सकते इसकी जो है ना, ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी चैन है, इनकी कंपेरिजन इसमें, इसकी तुलना में ये बहुत भारी है। इसको भी साइड में कर दे। अभी मैं अपने सारे गले के ही दिखाऊंगी आपको, पहले अपने गले का ही दिखाऊंगी सारी चीज़ें, हार दिखा दिया। और फिर इसके बाद में एक मंगलसूत्र आपने मेरा ये देखा होगा, ये वाला, गोल्ड का बहुत शौक है, मतलब अगर मैं चाहूँ तो हर महीने ले लूँ, इतना शौक है मुझे। और एक ये मेरा है, देख सकते हैं, एक मंगलसूत्र ये है, जब मेरा बेटा छोटा था तब लिया था मैंने ये, देख सकते हैं। पास से दिखा दूँ जिससे आपको थोड़ा सा डिजाइन पता चल जाए, और इनकी भी दिखा देती हूँ मैं पास से। ये देखिए, ये वाली डिजाइन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए नहीं पहनती हूँ, पर ये वाली डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओहो, अब अच्छी लगे चाहे ना लगे, है तो गोल्डी रहेगा, कीमत तो है उसकी। तो एक मंगलसूत्र ये मेरा, और ये तो मैंने 2 साल ही हुए हैं, ये भी थोड़ा सा हैवी है, ये इसका जो पेंडल है ना ये वाला, ये बहुत भारी है, तो ये देख सकते हैं। तो ये भी मुझे मुश्किल से अभी कितना 2-3 साल ही हुए हैं, तो मैंने ये वाला लिया था, देख सकते हैं। तो ये मेरे गले के सारी चीज़ें हो गई, और इसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको अपने इयर रिंग। तो ये मेरे शादी वाले इयर रिंग हैं, देख सकते हैं, कैसे दिखाऊं, ये देखिए, ये मेरे शादी वाले इयर रिंग हैं। इसमें जो है ना, ये बीच में नग लगा हुआ था, तो नग निकल गया, वो नग ऐसा ही था, कोई डायमंड फायमंड नहीं था, सिंपल नग था, तो वो गया है निकल। और आपको बैक कैमरा से भी मैं दिखा दूँगी। और ये रहे इसके सेट के दोनों, ये मैंने बताओ कहाँ से लिए, ये शादी से पहले मेरी मम्मी गई थी नानी घर, तो नानी घर फरीदपुर के हैं, ये वहाँ का गोल्ड है, मेरी नानी के यहाँ का, तो देख सकते हैं ये रहे। और एक एक पता नहीं कौन है वो, उनको इतने ज़्यादा पसंद आए ये वाले इयर रिंग, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं बैक कैमरा करके भी आपको दिखा दूँगी, तो जिससे अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे मेरे ये इयर रिंग्स का। मैंने भी किसी के लिए थे ये, मुझे ना फर्स्ट बार में एक लेडीज़ को गई थी किसी गृह प्रवेश में, उस लेडीज़ ने पहन रखे थे, बल्कि उनकी डिजाइन थोड़ी सी और वो थी,
तो मुझे इतने पसंद आ गए, मैंने वहीं पे फ़ोटो ले लिया, मैंने सेम टू सेम बनवाए थे, तो देख सकते हैं। और ये आपको लग रहा होगा कि हल्के हैं, नहीं हल्के नहीं, काफ़ी भारी हैं। उनसे बोला था कि कितने में बने थे, हम लोग बोल के आए थे कि हाँ 38,000 के उन्होंने बोला था कि बनेंगे, भाई 42,000-45,000 के बने ये, और काफ़ी हैवी हैं ये, अब तो इनकी कीमत और भी होगी। तो देख सकते हैं, अभी बैक कैमरा करके भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये मेरे ना हमेशा मैं पहनती हूँ, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और एक ईयर रिंग मेरे ये हैं, देख सकते हैं छुटकू छुटकू से, ये भी हैवी हैं। और ये जो पहनी हूँ ना, ये आपको दिख रहा होंगे, ये हैवी, ये इतने हल्के हैं कि मैं क्या बताऊँ, इसीलिए मैं इनको पहन रखती हूँ। और इनको नहीं पहन सकती मैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, और इनका इसका वेट बिल्कुल भी नहीं है। तो देख सकते हैं एक ये वाली इयर रिंग, अभी बैक कैमरा करके ये भी दिखाऊंगी। और ये रहा मेरा मांग टीका जो कि इधर से गया था, देख सकते हैं चुटकू सा है, अच्छा लगता है कभी कभार जैसे पहनो ना। अब करवा चौथ आ रही है तो उस पर पहनूंगी, बढ़िया लगाऊंगी। और ये रही हार के साथ की मेरी चूड़ियाँ, जो कि आप लोग देखते हो मैं ब्लॉग में पहनती हूँ। अभी थोड़ा सा क्या, इनके अंदर का जो लाक है ना वो निकल गया, तो इसलिए मैंने इसको ना छोड़ दिया पहनना, कि क्योंकि ये यहाँ का जो गोल्ड है ना रतलाम का, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और प्योर गोल्ड रहता है, तो ना चूड़ी ऐसे हो रही थी, थोड़ा सा दब रही थी, तो मैंने कहा मम्मी जी इसमें ना लाक भरवा लो तो सही रहेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी चूड़ियाँ। और वैसे मुझे ना एक एक कंगन इस जैसे इस तरीके से कंगन पहनने की मेरी बड़ी इच्छा है, कि एक एक कंगन लूँ ऐसा जो डेली यूज़ में पहनूँ, फिर ये चूड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक गले का ये है मेरे, इसको कंठी बोलते हैं, तो ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, मेरी बहन की शादी जब हो रही थी ना तो उस वक्त मेरी मम्मी ने मुझे ये दिया था, देख सकते हैं क्लियर, पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं आ रहा, अब ठीक है। तो ये उस टाइम मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, तो देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी लगती है जब मैं इसको पहनती हूँ, बहुत सुंदर ज्वेलरी लगती है। और क्या है, और एक ऐसे ही ख़रीद लिया था मैंने छुपटू सा ये, पर आज तक लगाया नहीं मैंने इसको कभी। ये यहाँ लगाने का है साइड में। और ये मेरी ये सारी पायलें वगैरह, एक ये रही, एक जोड़ ये रही, पायलें तो बहुत सारी हैं, और कुछ मेरी अंदर रखी, अब मुझे आलस आ रहा तो मैं निकालूंगी नहीं। और कुछ मेरी ये रही और जो शादी की पायलें हैं उनको तो शायद मैंने आज तक पहना ही नहीं, क्योंकि इतनी हैवी रहती हैं वो, इतनी चौड़ी चौड़ी पायलें कि आज तक मैंने उनको पहना ही नहीं है। और एक ये हैं, ये मेरी हैं जब मेरी मम्मी जी गई थी गोद भरने के लिए, हमारे यहाँ जब लड़की का रिश्ता पक्का करने जाते हैं ना तो गोद भराई होती है वो एक तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने देखा है कि शादी होने के बाद जब बच्चा होता है तो उसको गोद भराई बोलते हैं, हमारे यहाँ जब लड़की का रिश्ता पक्का करने जाते हैं इंगेजमेंट थी तब मुझे ये वाली पायलें पहनाई गई थी, तो देख सकते हैं धागा लगा है इसमें, तो ये वाली पायलें मुझे पहनाई गई थी, तो ये भी आज तक नहीं पहनी क्योंकि ये थोड़ा सा कड़क कड़क लगती हैं तो पैरों में चुभती हैं। और बस इतना ही था मेरा गोल्ड जो कि ऊपर था, तो वो मैंने आज आप लोगों को दिखा दिया। हाँ ये तो दिखाई नहीं, ये सारी अंगूठियाँ इतनी बड़ी बड़ी मुझे हैं कि सब में धागे लगे हुए हैं, इनको नहीं पहनती हूँ मैं। एक ये अंगूठी है, एक ये है, और एक ये है, अंगूठियाँ तो हैं, एक ये है, बहुत सारी अंगूठियाँ तो नहीं पहनती हूँ गोल्ड की, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन की है, ये अब पसंद नहीं आती। उस टाइम में तो शौक में बड़ी बड़ी अंगूठियाँ खरीद लेते थे, अब नहीं पसंद आती। और हमेशा तो मैं अपनी एक ये मेरा मोती रत्न है जो कि मुझे, मैंने अपना दिखाया था तो मुझे बताया था कि मोती रत्न पहनना चाहिए कुंडली के हिसाब से। और ये मेरी डायमंड की रिंग है जो कि मैंने, मुझे पति देव जी ने